इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पेनिस पे जो वेन्स दिखती हैं और पेनिस जो टेढ़ा होता है, क्या ये कोई बीमारी है या एक ये नॉर्मल चीज़ है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेनिस कर्व क्यों होता है। नॉर्मली किसी का भी पेनिस 100% इरेक्ट नहीं होता है, यानी कि इरेक्ट का मतलब सीधा नहीं, स्ट्रेट नहीं होता है, कर्व्ड होता है, वेदर इस लेफ्ट साइड, राइट साइड या इरेक्शन में 20 साल तक तो ये अब ऊपर की तरफ ही ज्यादा है। जब आप देखेंगे इरेक्शन के टाइम पे ऊपर की तरफ ही ये थोड़ा कर्व बेंड होके मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो पेनिस की जो परवरिश हुई है बचपन से ही, वो अंडरवियर निक्कर इसमें रही है, कभी भी वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला धोती वाला टाइम तो खत्म हो गया है, तो ये हमेशा साइड में ही इसको दबा के रखा जाता है। यानी अब वो निक्कर पहनेंगे, अंडरवियर पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे तो वो जो इस साइड ये साइड मोस्टली लेफ्ट साइड ही होता है, तो ज़्यादातर लोगों का जो कर्व्ड हो जाता है वो एक साइड में ही झुका हुआ होता है। तो इसलिए ये कुछ इसकी बनावट ऐसी हो जाती है, इसकी डेवलपमेंट ऐसी होती है कि ये जब इरेक्ट होगा तो एक साइड को आपका झुका हुआ होगा। तो इसलिए ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी कब होती है? एक बीमारी जब बनती है जब ये इतना ज़्यादा कर्व्ड हो कि आप सेक्सुअली एंजॉय ना कर पाएँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना कर पाएँ, उस टाइम में आपको पेन हो और पेनिट्रेशन या इंटरकोर्स डिफिकल्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में ये बीमारी कहलाती है। और बीमारी का नाम होता है पेरोनियस डिजीज। उसमें कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं, नीचे फाइबर्स बन जाते हैं 90%। वो आपको कभी कोई पहले इंजरी हुई हो, कोई इन्फेक्शन सीवियर नीचे के साइड हुआ हो, उससे एक साइड हुआ हो, वो जाके आप जब वो हील करता है तो वहाँ पे वहाँ की चमड़ी खाल हो जाती, जो वहाँ की चमड़ी टाइट हो जाती है, और वो जब टाइट एक तरफ की होगी तो दूसरी तरफ से वो उसको खींच लेती है पेनिस का, तो एक साइड कर्व हो जाता है। तो वो कंडीशन इतनी कॉमन नहीं होती, वो एक बीमारी है। और उसका फिर जो ट्रीटमेंट है वो कुछ एप्लीकेंट कुछ वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। सर्जरी तो होती है, कुछ अलग से क्रीम वगैरह आती है। अगर मैं इस वीडियो में बताने लगा तो आप सब उसी लगाना शुरू कर देंगे कि ये एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल जब होता है, ये बीमारी जब होती है जब आप में पेन हो रहा हो या आप इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हो, तो कर्व पेनिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसी कोई चिंता के बात नहीं है। अब बात करते हैं कि नसों का दिखना, जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है और लोग हमेशा परेशान रहते हैं इसको लेके कि नसें दिखने लगी हैं जी, ऊपर मेरे नसें दिखने लगी हैं। और नीम हकीम इसका फायदा उठाते हैं कि ये नसें जो है तुमने हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है और ये हस्मतुल से नसें दिखने लगी हैं, नामर्दी की निशानी है, अब ये होगा वो होगा। तो ये नसें होती क्या हैं, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो पेनिस का इरेक्शन है वो होता ही नसों के कारण है। वो अगर आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो नसें फूलेंगी, और नसें फूलेंगी, अंदर की नस फूलती है तो आपका इरेक्शन होता है। अब वो ब्लड का जब अंदर गया, इरेक्शन किया, तो वापस भी तो आएगा या वहीं रुक जाएगा? तो जब वो वापस आता है, वेन से आता है। अब ये वेन्स कई बार दिखने लगती हैं ऊपर, ये जब सबकुटेनियस फैट यानी कि वहाँ चिकनाई चर्बी होती नहीं है वो दिखने लगती है, और कई बार जब आप कोई टैबलेट वगैरह खा लेंगे तो ज़्यादा दिखेगी, खासकर जो ब्लड फ्लो बढ़ाने वाली टैबलेट्स हैं तो वो ज़्यादा दिखेंगे, आप घबरा जाएंगे। नीला अब ब्लड इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, नीला ब्लड होता है, वो दिखेगा ही दिखेगा, तो आप घबरा जाते हैं कि ये हो रहा। तो इससे ये वेन्स का दिखना, इधर उधर भागती हुई वेन्स दिखना, नहीं दिखना, ये कोई भी बीमारी नहीं है। कोई बीमारी वो जब होती है जब आप इसको लेके सोचना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये कर्व्ड पेनिस और नसों का दिखना कोई भी बीमारी नहीं है, और इसको आप बिल्कुल भी इससे इसको लेकर परेशान ना हो, चिंता ना करें, और कोई उल्टी सीधी दवाओं के डॉक्टर के पीछे ना भागे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।